प्रीतमगढ़ के राजा थे राजा विक्रम सिंह। वो बहुत ही दयालु थे। प्रजा की भलाई के लिए वो हमेशा कदम उठाते थे। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य पर हमला करने की ताक में है। हमें हमारे सैनिकों को तैयार रखना चाहिए। हम जानते हैं महामंत्री जी, पर इस वक्त राज्य में सूखा पड़ा है। हमें प्रजा की उन्नति के लिए पहले नदी के बांध का निर्माण करना ही हमारा उद्देश्य है। महाराज, हम 2 सालों से बांध के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। अभी शायद कुछ और महीने लगेंगे, पर इस बीच अगर हम पर हमला हुआ तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। तो आपका सुझाव क्या है? यही कि हम वापस पूरी सेना को तैयार करें जंग के लिए। महामंत्री जी, मेरे हिसाब से हमें दोनों कार्य करना चाहिए। आप आधी सेना को जंग की तैयारी में लगा दीजिए और आधी सेना बांध का निर्माण करेगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन इससे पहले कि महामंत्री सेना को तैयार कर पाते, पड़ोसी राज्य ने उन पर हमला बोल दिया और वो किले के भीतर घुस गए। महाराज, आपको इस वक्त महल से बाहर निकलना चाहिए। मैं ऐसे भाग नहीं सकता, मैं शत्रु का सामना करूंगा। महाराज, ये सही समय नहीं है शत्रु का सामना करने का। इस वक्त उसकी सेना बहुत विशाल है, वो लोग आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। सही निर्णय यही होगा कि आप इस वक्त महल से बाहर चले जाएं और शत्रु से लड़ाई करके जीतने की योजना बनाएं। महामंत्री जी, आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं महाराज, हम लोग इन्हें यहीं रोक कर रखेंगे, आप चले जाइए। उस रात राजा विक्रम सिंह खुफिया सुरंग के रास्ते राजमहल से बाहर आ गए। वो अपने नगर में आम इंसान के भेष में घूम रहे थे और अपने वफादारों से मिल रहे थे। महाराज, पूरे राज्य पर शत्रु का कब्जा है। और सेना का क्या हाल है? जो सैनिक महल में थे उन्हें बंदी बना लिया गया है और जो सैनिक राज्य की सीमा पर थे उन्हें तो मार दिया गया है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? कैसे हमें हमारा राज्य वापस मिलेगा? अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए भगवान। और उस वक्त राजा विक्रमादित्य के सामने एक सुनहरी तितली आई। तितली से सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। अद्भुत। राजा विक्रम सिंह उस तितली से मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। महाराज! राजा विक्रम सिंह ने अपने वफादार की आवाज नहीं सुनी और वो चलते रहे। वो तितली जंगल की ओर बढ़ गई और एक मठ के एक फूल पर जा बैठी। इतनी छोटी सी हो पर कितना अद्भुत प्रकाश है तुम्हारा। बिल्कुल आपकी तरह राजन। राजन? कौन राजन? मैं तो एक आम आदमी हूँ स्वामी जी। जैसे ये सुनहरी तितली आम नहीं है, वैसे आपका तेज भी आम नहीं है राजन। आप भले ही कोई भी रूप ले लीजिए, पर आपकी अच्छाई और आपका तेज हमेशा वैसा ही रहेगा। आपने मुझे कैसे पहचाना स्वामी जी? क्या हम पहले कभी मिले हैं? नहीं राजन, मैं आपके पिता से मिला था, लेकिन आप उनकी तरह नहीं दिखते। फिर आपने मुझे पहचाना कैसे? ये तो भगवान की लीला है। ये सुनहरी तितली आपको यहाँ ले आई, ये भी उन्हीं की लीला है। पर मेरा आपसे मिलने का कोई तो उद्देश्य होगा ही। हाँ बिल्कुल है, मैं आपको आपका राज्य लौटाने में मदद कर सकता हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी स्वामी जी। शायद नहीं, मेरे कारण होगा। मैं 110 सालों तक जीवित रहा हूँ। आप अपना राज्य वापस पा सकते हैं राजन। पर कैसे? जादुई तलवार से। जादुई तलवार? आपके दादाजी को एक बहुत ही अद्भुत तलवार मिली थी जिसे वो कोई भी युद्ध जीत सकते थे। इस तलवार के युद्ध में उतरते ही दुश्मन की सेना पल में ढेर हो जाएगी राजन। पर ऐसी अद्भुत तलवार है कहाँ? वो तलवार आपके कक्ष में आपके शाही पलंग के नीचे जमीन में दफन है। हमें किसी भी हालत में वो तलवार वहां से निकालनी होगी। हम अपने कक्ष तक तो पहुंच जाएंगे, पर खुदाई कैसे करेंगे? वहां तो दुश्मन की सेना होगी। इस कार्य में वो सुनहरी तितली आपकी मदद करेगी। वो कैसे? सुनहरी तितली ने आपका मन मोहा, वैसे वो सारे सैनिकों को उलझा कर रखेगी और इसी बीच आपको वो जादुई तलवार हासिल करनी होगी। हम ये अवश्य करेंगे स्वामी जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव राजन।
आपकी जीत निश्चित है। साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर राजा विक्रम सिंह अपने महल के बाहर पहुँचे। हमें शाम होने का इंतजार करना चाहिए। वो सुरंग के रास्ते के बाहर ही बैठे थे। सूरज ढला और उन्होंने अपनी मशाल जलाई और सुरंग के रास्ते से अपने कक्ष की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो अपने कक्ष में पहुंच चुके थे और उसी वक्त सुनहरी तितली भी महल के अंदर घुस गई। सारे सैनिक सुनहरी तितली के मुंह में उसके पीछे दौड़ रहे थे। राजा विक्रम सिंह ने भगवान का नाम लेकर खुदाई शुरू कर दी। वो कई घंटों तक खोदते रहे और आखिर उन्हें अंदर एक बड़ा बक्सा मिला। हे भगवान! राजा विक्रम सिंह ने उस बक्से को खोलकर उस सुनहरी जादुई तलवार को बाहर निकाला। उस तलवार का प्रकाश चारों ओर फैल गया। उन्होंने तलवार पर अपना माथा टेका। हे जादुई तलवार, मेरी मदद करो! और फिर दृढ़ निश्चय से राजा विक्रम सिंह ने अपने कक्ष के बाहर कदम रखा। उन्हें देखते ही दुश्मन सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, पर जादुई तलवार की शक्ति के आगे उनका बल ना टिका। जादुई तलवार से निकलने वाली अद्भुत शक्ति ने सारे सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिए। राजा विक्रम सिंह सैनिकों से लड़ते हुए महल के बाहर पहुँचे, जहाँ ढेर सारे शत्रु के सैनिक तैनात थे। और फिर जादुई तलवार के बल पे राजा विक्रम सिंह ने एक एक करके सारे शत्रुओं का नाश कर दिया। और कुछ ही समय में शत्रु राजा उनके पैरों में क्षमा की भीख मांग रहा था। हमें माफ कर दीजिए, हम चाहे तो तुम्हें अभी मार सकते हैं, पर तुमने क्षमा की गुहर की है, इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। लौट जाओ अपने राज्य में और अपनी प्रजा की उन्नति के लिए कार्य करो। युद्ध करने से कुछ हासिल नहीं होता, प्रजा की खुशी ही राजा का असली धन है। उस दिन राजा विक्रम सिंह ने अपने शत्रु को बख्श दिया। सारे बंदी सैनिक आजाद हो चुके थे। महाराज की जय हो, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। ये सब इस जादुई तलवार की वजह से हुआ है। ये हमारे दादाजी की है। अद्भुत! मैंने आपके पिताजी के मुंह से इस तलवार की तारीफ सुनी थी, पर मुझे लगा था इसका सच में होना असंभव है, पर यह सच में है और यह तलवार आपको मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। ये तलवार हमने ढूंढी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास खुद आई है। ये बुढ़े स्वामी और एक सुनहरी तितली ने हमारी मदद की इसे ढूंढने में। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। जी महाराज। अगले दिन राजा विक्रम सिंह और उनके महामंत्री जंगल पहुँचे। वहाँ उन्हें वो झरना तो मिला, पर वहाँ कोई मठ नहीं था। ये जगह तो बिल्कुल बदल गई। पहले यहाँ एक मठ था। मठ के आंगन में बहुत सारे फूल थे और वो सुनहरी तितली हमें यहीं लाई थी। महाराज, मुझे लगता है कि आप जिस बुढ़े साधु से मिले वो आपके दादाजी थे। उन्हें फूलों का बहुत शौक था और कहते हैं कि लगभग 60 साल की आयु में उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे को सौंप संन्यास ले लिया था। क्या? हाँ, क्या आप बता सकते हैं उनकी आयु क्या थी? उन्होंने कहा था कि वो 110 वर्ष के हैं। तो फिर वो पक्का आपके दादाजी ही होंगे जो आपकी सहायता करने आए थे। विक्रम सिंह ने अपने दादाजी को याद करके उन्हें नमन किया। दादाजी, धन्यवाद, हमेशा मेरे साथ ही रहना। और एक बार फिर राजा विक्रम सिंह को उस सुनहरी तितली की झलक दिखी और वो समझ गए कि उनके दादाजी हमेशा उनके साथ ही रहेंगे, और वो मुस्कुराते हुए वापस लौट गए।